नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 7 जनवरी 2019 और कल के लिए 3 स्टार सेक्शन में यानी 8 जनवरी 2019 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए 3 स्टॉक को मैंने इंट्राडे में सेलेक्ट कर लिया है। उसे किस लेवल पर बाय करना है, किस लेवल पर सेल, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रहेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको लाइव ट्रेड की वीडियोज, स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोज, पोजिशनल स्टॉक की वीडियोज, बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, गैप अप गैप डाउन, HDFC बैंक पर जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया था 7 पॉइंट का वो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, प्लस ORB PRB और 100 DMA की स्ट्रेटेजी यहाँ पे है। मेरे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते रहती है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिसे कल हम लोग इंट्राडे में यानी कि 8 जनवरी 2019 को ट्रेड करेंगे। उन तीनों स्टॉक में दोस्तों ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि यहाँ मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती है, सिर्फ रिसर्च और एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ। तो एक बार ट्रेड लेने से पहले जरूर आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। तो चलिए देखते हैं वो पहला स्टॉक कौन सा है हमारे लिए कल जिसमें हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं या कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों हैवल्स का। देखिए हैवल्स ने क्या किया, यहाँ पे बाय और सेलेबल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझ भी मैं बता भी देता हूँ मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। हैवल्स जो है ये 15 मिनट का चार्ट है, पूरे 2 दिनों से, पूरे 4 तारीख से अगर आप देख रहे हैं तो 4 तारीख से बिल्कुल एक पैरेलल चैनल में, प्राइस चैनल में ये अपने आप को पैक करके चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा है हैवल्स, इसे प्राइस चैनल बोलते हैं। इस प्राइस चैनल के ठीक अपर साइड में हैवल्स ने क्लोजिंग दिया आज, ठीक ना, हैवल्स ने बिल्कुल क्लोजिंग दिया अपर साइड में, इस वजह से मैंने हैवल्स को सेलेक्ट किया है। तो हैवल्स दोस्तों जब 697 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे, बाय अबव 697। इस कंडीशन में दोस्तों इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 693 रुपए का यानी 693 का। पहला टारगेट होगा 701 का यानी 701 का, दूसरा टारगेट होगा 705 का यानी 705 का, और तीसरा टारगेट होगा 709 का यानी 709 रुपए का। और अगर हैवल्स इस प्राइस चैनल के नीचे ब्रेक करता है यानी 687 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 687, और स्टॉप लॉस दोस्तों इस कंडीशन में 691 का लगाएंगे यानी 691 का। पहला टारगेट होगा 683 रुपए का यानी 683 का, दूसरा टारगेट होगा 679 का यानी 679 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 675 रुपए का यानी 675 रुपए का। ये था मेरा पहला स्टॉक हैवल्स। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, शुरू के 5 मिनट अपने ट्रेड को जरूर अवॉइड कीजिए, उसके बाद अगर स्टॉक हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है और या वह उस जगह पर उस प्राइस पर मिलता है तो ही आप ट्रेड करें, वरना 5 मिनट को बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो ये था मेरा पहला स्टॉक हैवल्स। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहां पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद RK Trading BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। देखिए एक्सिस बैंक का भी मैंने यहाँ लेवल रख दिया है, लेकिन ये आवर्ली चार्ट है। यहाँ पे एक्सिस बैंक मैं शुरू से कहता हूँ अपने हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस में और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में मैंने हमेशा बताया कि एक्सिस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 640 रुपए का। बैंकिंग स्टॉक के अगर वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि हैवल्स का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक का हैवी रेजिस्टेंस है 640 रुपए का। तो एक्सिस बैंक बिल्कुल 640 के पास में आके इसने क्लोजिंग दिया है 637 के पास में, इस वजह से मुझे लग रहा है कल एक्सिस बैंक में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है अपर साइड में। अगर ये कल के हाई, आज के हाई के ऊपर ब्रेक करता है, ट्रेड करने लगता है तो 640 को जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत तेज मूवमेंट दिखाएगा, इस वजह से मैंने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट किया। तो एक्सिस बैंक दोस्तों जब 640 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 640, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में 636 का यानी 636 का। पहला टारगेट 644 यानी 644 का, दूसरा टारगेट 648 का यानी 648 का,
और तीसरा टारगेट 652 का यानी 652 रुपए का। अगर एक्सिस बैंक नीचे ब्रेक करता है 634 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 634। इस कंडीशन में दोस्तों इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 638 रुपए का यानी 638 का। पहला टारगेट होगा 630 का यानी 630 का, दूसरा टारगेट होगा 626 का यानी 626 का, और तीसरा टारगेट होगा 622 रुपए का यानी 622 का। ये है मेरा दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक। और दोस्तों अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आ जाता है तो अपना 50-70% क्वांटिटी जरूर बुक कीजिए, अब बाकी का स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सिस बैंक, कल इस पर हम लोगों का नजर रहेगा। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों डिवीज लैब का। देखिए डिवीज लैब ने बिल्कुल इस जो रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लाइन 1494 रुपए का रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, देखिए बिल्कुल इसके पास में जाके यहाँ पे क्लोजिंग किया, देख रहे हैं बिल्कुल ये आवर्ली चार्ट है, ठीक है ना। अगर 15 मिनट का चार्ट बनाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे आवर्ली पे अभी सेलेक्ट रखा है। तो यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इस लाइन को 1494 रुपए को, यहाँ पर भी यहाँ पे अब वापस उसी के प्राइस में ऊपर अपर साइड में जाके इसने क्लोजिंग किया है डिवीज लैब ने। तो डिवीज लैब को दोस्तों हम लोग बाय करेंगे जब ये 1495 को ब्रेक करेगा तब, यानी बाय अबव 1495। स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंडीशन में दोस्तों 1488 का यानी 1488 रुपए का, और टारगेट होगा पहला 1502 का यानी 1502 का, दूसरा टारगेट होगा 1509 का यानी 1509 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1516 का यानी 1516 रुपए का। और अगर डिवीज लैब नीचे ब्रेक करता है 1480 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1480। इस कंडीशन में दोस्तों इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे 1487 का यानी 1487 का, टारगेट होगा पहला 1473 का यानी 1473 का, दूसरा टारगेट होगा 1466 का यानी 1466 रुपये का, और तीसरा टारगेट होगा 1459 का यानी कि 1459 रुपये का। तो दोस्तों ये था मेरा थ्री स्टार सेक्शन में तीन स्टॉक, जिसे कल हम लोग 7-8 जनवरी 2019 को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करने से पहले आप अपने फैंसी एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। तो दोस्तों अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।